लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज लाइव। आप तमाम लोग जानते हैं कि जब गलवान हुआ था उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ने देश की जनता को ये बयान देकर गुमराह किया, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा, देश की जनता ने देखा कि पीएलए की फौज भारत की सरजमीन में घुसकर बैठ गई और आज भी डेपसांग और डेमचाक में 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की एलएसी में बैठी हुई है। और जहां से हम लोग उनसे चीन की फौज से जो मिलिट्री टॉक्स हुए हैं 14-15 राउंड की, हम लोग गलती किए हैं एक बफर जोन बनाकर, और बफर जोन ऐसा बना दिए कि हमारी फौज जो पहले जिन जगहों पर पेट्रोलिंग करती थी पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रही है। तीसरे, उसी पोंगसोंग सू लेक पर एक ब्रिज बन रहा है, चीन बना रहा है, जिससे हमारे लिए ठीक नहीं है। जो कैलाश रेंज था जहाँ पर हमारे को स्ट्रेटेजिक हमको फ़ायदा था, हमारी फौज को हमने उतार दिया वहाँ से। और फिर अरुणाचल प्रदेश में 9 तारीख को झड़प हुई और ये सरकार जो है पार्लियामेंट चल रही है, 12-13 तारीख को बयान देती है। मैं उस वक्त भी का आज भी कह रहा हूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई है, 17,000 फीट नीचे से चीन ऊपर आकर भारत की फौज से क्लैश होता है। डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था 2017 में कि डिसएंगेजमेंट हो गया, चीन खत्म हो गया, अब चीन बैठा हुआ है वहाँ पर, चीन रोपे बना रहा है, अगर वो होगा तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुँच जाएगा वो। तो जहाँ तक चीन की भारत की ज़मीन पर जो घुसने की बात है, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एलएसी के ऊपर करीब 628 मॉडल विलेजेस चीन बना रहा है और उसको इस्तेमाल करेगा एक स्टेजिंग एरियाज बिल्डअप के लिए। ये सरकार ये सब दुनिया देख रही है। इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार ये रिपोर्ट लिखता है कि महीने में 2 मर्तबा फेस ऑफ होता है भारत की आर्मी का पीएलए के साथ अरुणाचल प्रदेश में। सैटेलाइट इमेजरीज है कि चीन बैठा हुआ है। तो इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर वन। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं आधा झूठ बोलते हैं, मिसरीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमज़ोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं कराना चाहते आप? इतना बड़ा मसला है हमारा। और फिर हमारा जो ट्रेड बढ़ रहा है, इम्बैलेंस ट्रेड चीन से बढ़ रहा है, तो मोदी सरकार ने कहा कि हम टिकटॉक को बैन कर दिया। क्या मजाक है ये? इस साल 2022 में $65 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है चीन से, तो चीन का नाम ही लेना चाहती मोदी सरकार? पार्लियामेंट में डिबेट कराने से क्यों घबरा रहे हैं आप? हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आप डिबेट करवाइए। अगर आप इन कैमरा कराना चाहते हैं, मीडिया रिपोर्ट ना करे, वो भी रूल्स में प्रोविजन है, करवाइए। अगर वो भी नहीं कराना तो कम से कम अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सुनिए हमको क्या कहना है, और सरकार बताए कि चीन से जो खतरा है हमको, जो आए दिन हमारी ज़मीन चीन छीन रहा है, उस पर वो क्या बोलेंगे? सच्चाई क्यों नहीं बयान कर रहे? सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे आप? सर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर जी ने कहा है कि चाइना को या कोई किसी भी कंट्री को, स्पेशली चाइना को, एलएसी का कंट्रोल यूनिलैटरली लेने नहीं देंगे, ऐसा उनका। अरे लेके बैठा है ना डेपसांग और डेमचाक में 1,000 स्क्वायर किलोमीटर, डेपसांग और डेमचाक में पीएलए चीन की फौज बैठी हुई है। इफ सैटेलाइट फोटोज है, इमेजरीज है, वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप? वो तो बैठा हुआ है, जहां से हमने उनसे बातचीत करके डिसएंगेजमेंट जो बोलते हैं, हमने बफर जोन क्यों क्रिएट किया भैया वहां पर?
क्यों किया, बफर जोन क्यों क्रिएट किया हमने, हम जिस जगह पर हमारी फौज पेट्रोलिंग करती है उस जगह पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हम लोग क्योंकि आपने बफर जोन क्रिएट कर दिया। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मिसलीडिंग स्टेटमेंट है उनका। इंपोर्ट के मामले में उन्होंने कहा है कि पिछले 30 साल से जो इंडस्ट्रीज का सपोर्ट चाहिए था वो मिला नहीं है कंट्री को, इसीलिए वहां से इंपोर्ट हो रहा है। तो फिर आप टिकटॉक क्यों बैन किए, टिकटॉक क्यों बैन किया आप? 20 हमारे फौजी मर गए गलवान में, लेफ्टिनेंट कर्नल तेलंगाना का मर गया, अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दिए सब लोग, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी जमीन पे तुम कब्जा करते जाओ और हम ट्रेड इम्बैलेंस रहेगा उनके साथ, ये आपका राष्ट्रवाद है, ये आपका राष्ट्रवाद है, हमारी जमीन पर आएंगे कब्जा करते जाएंगे और ढोकलाम में ऐसा करेंगे, पांगसांगसू लेक में ब्रिज बनाएंगे और आप देश को बोलेंगे नहीं कुछ नहीं, और अभी डिसएंगेजमेंट के बाद क्या होना चाहिए आप बताइए, ये तो बता ही नहीं रहे, सब छुपा रहे हैं। जापान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है, जापान का हवाला देते हुए कहा है कि ये 5 या 10 साल में जो 30 साल से गलती चल रही है उसको हम ठीक नहीं कर सकते 5-10 साल जो इम्पोर्ट की बात। आप सिर्फ चीन के ताल्लुक से स्ट्रांग हो जाइए, आप स्ट्रांग क्यों नहीं होते? 8 साल से आपकी सरकार है, क्या आप इस गवर्नमेंट ने गलवान के वक्त इस देश को झूठ बोला नहीं बोला कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा? तो फिर 15 राउंड जो पीएलए से बातचीत किस लिए हुई? फिर हमने जो डिसएंगेजमेंट कहां से किया जब घुसे नहीं तो वहां पर? ये अरुणाचल प्रदेश में क्लैश क्यों हुआ? फिर ये यहां पर आपके उसी डोकलाम पे जो ब्रिज बन रहा है क्या वो सिलीगुड़ी कॉर्डर को फ्यूचर में खतरा नहीं है? महीने में 2-2 मरतबा फेस ऑफ हो रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में चीन की आर्मी के साथ, आप पार्लियामेंट में डिबेट क्यों नहीं करवाना चाहते? डिबेट करवाइए पार्लियामेंट में, हम अपनी बात रखेंगे, आप आकर पूछते हम आपको बोलते हैं वो आपको बोल रहे हैं, बट डिबेट कराई ना पार्लियामेंट में, पूरा अपोजिशन यूनाइटेडली डिमांड कर रहा है गवर्नमेंट से कि आप डिबेट करवाइए इसके ऊपर। तो किसकी कमी है सर, पॉलिसी में कुछ कमी है या अपने एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी कहां पर? गवर्नमेंट कमजोर है, फौज बहुत ताकतवर है और हमेशा रहेगी, गवर्नमेंट कमजोर है, चीन का नाम लेने से कतराते हैं, हम आपको इतनी मिसालें दे रहे हैं आपको। करिए अच्छा है, कौन रोक रहा है, बहुत अच्छा है, देश की सुरक्षा के लिए जो भी करना है सिक्योरिटी के लिए करना चाहिए, भाई लाल आंख दिखाइए ना, 56 इंच का सीना दिखाइए चीन को, आप तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तो उठकर जाकर मिले उससे, हाथ मिलाए तो अरुणाचल में क्लैश हो गया। चीन के बारे में ये इस सरकार को बड़ी संजीदगी से और सीरियसली लेने की बहुत बड़ी जरूरत है, आप देश को बताइए, आप ट्रांसपेरेंसी रखिए इंफॉर्मेशन, भाई आप क्यों छुपा रहे हैं, पूरे सैटेलाइट इमेजेस सारी दुनिया देख रही है, फॉरेन कंट्रीज के अखबार आपकी झूठ को सामने रख दे रहे हैं, कब तक आप हाफ ट्रूथ मिसलीडिंग फैक्ट्स अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस कब तक चलते रहेंगे? और जब हम बोलते तो नहीं आप लोग यकीन, अरे यकीन कैसा करेंगे आपका, आप तो सच्चाई बता ही नहीं रहे देश को मुल्क को। Well, you see, the government should allow a discussion on the Chinese ingression in the Indian LAC. It is a fact that the Prime Minister of our country misled the nation when he said that no one has entered and no one will enter. That was a false statement, that was a misleading statement given by the Honorable Prime Minister. And because after that we had 15 rounds of talk
with the PLA, and in the process disengagement has happened, and unfortunately this government has accepted a creation of a buffer zone, so we cannot patrol those areas which we have been patrolling for many years. Thirdly, the Chinese army is sitting in Demchok and Demsang, which is a grave threat to our country. Fourthly, on the 9th of December, a clash happened with our army, wherein at that point, when the Chinese came from 17,000 feet down to up, it was not a normal patrolling clash. Fifthly, there's a Telegraph newspaper of England which has reported that in a month, at least twice, face-off is happening at Arunachal Pradesh. Sixth, experts have told, it has appeared that the Chinese are constructing 628 model villages along the LAC, which will be used as staging areas for build-up. Seventh, didn't the Prime Minister and his government say that in Doklam, disengagement happened, but in Doklam they're constructing a bridge now. In Pongsongsu, the PLA is constructing a bridge. We are requesting and demanding from this government continuously that please have a debate in the parliament. Please have a debate. But the Modi government is not transparent when it comes to the situation at LAC. They are speaking half-truths, misreading facts, and amusing distraction. This is the strategy. Why are they not allowing a discussion? Have a discussion. If you don't want media to report, the parliament rules are clear. We can tell that it should be in camera discussion. You don't want to utter the word China. वही तो मैं बोल रहा हूँ जब से आपको, वही तो हम कह रहे हैं, आप लीजिए तो वार हो जाएगा ना, अगर वैसा स्ट्रांग होगा तो वार हो जाएगा। उन्होंने वार कर दिए तो आप पे, मैं वार की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ आप स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए। मोदी सरकार इस मामले में पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा पा रही है। आप पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए ना, पूरा देश खड़ा है आपके साथ इसमें। ये कोई राजनीति का इशू नहीं है, ये मुल्क की सिक्योरिटी का इशू है। हम पूरे खड़े हुए देश के वजीर आजम के साथ, पूरा मुल्क खड़ा है। आप लीजिए पॉलिटिकल लीडरशिप, दिखाइए आप क्या रहेगा आपके हिसाब से, क्या रहेगा सर? अरे आप निकालिए ना डेमसांग डेमचाक से चीन को जो बैठा हुआ है। कैलाश रेंज से आपने क्यों हमारी फौज को उतार दिया, उनके हवाले कर दिया आपने? देखिए 3488 किलोमीटर का एलएसी है, हर जगह पर चीन कर रहा है गड़बड़िए, और नहीं रुकने वाला है, हम बता रहे हैं आपको। 2100 माइल्स का एलएसी हमारा, ये इंडो पैसिफिक का फ्रिक्शन पॉइंट अगर कहीं बनेगा तो ये हिमालयस बनेंगे, देखना आप। आज आप लोगों को दिख रहा है कि ज्यादा बोल रहे हैं, मगर मैं पिछले एक साल डेढ़ साल से बराबर बोल रहा हूं, मगर आप लोग समझते कि ये भाषण दे रहे, जज्बाती बात कर रहे हैं, क्योंकि सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है। सच्चाई है ना, एक देखते जाइए आप क्या हो रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव मुंबई।